हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे ये ब्लूटूथ स्पीकर। तो यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है पूरा डेड कंडीशन में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन करने पर यहाँ पर ऑन भी नहीं हो रहा है। और मैं इसको चार्जिंग लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ना तो ये चार्ज हो रहा है और ना ही ये पावर ऑन हो रहा है। तो ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये पूरा डेड कंडीशन में है। तो इसे हम कैसे रिपेयर करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका जो बैक पैनल है उसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले इसकी चार्जिंग पिन को लगा लेते हैं, और पहले इसके जो वोल्टेज हैं वो चेक करते हैं कि यहाँ तक वोल्टेज जो है वो आ रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। और एक बार इसका जो ऑन ऑफ स्विच है इसको शॉर्ट करके देख लेते हैं। तो ऑन ऑफ स्विच भी दोस्तों यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो आईसी है इसकी, सिस्टम आईसी, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है। तो ये आईसी मुझे लगता है कि ये पूरी शॉर्ट हो गई है, इस वजह से ये जो ब्लूटूथ है ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। तो एक बार और मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ। और अब ये जो आईसी है इसको हम पहले शॉर्ट करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप, हल्की सी जो लाइट है वो ब्लिंक हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आईसी को शॉर्ट करने पर इसकी जो चार्जिंग है वो यहाँ पर वर्क कर रही है, और इसकी ये वाली जो आईसी है ये काफ़ी हीट हो रही है। पहले मैं ये जो ब्लूटूथ पैनल में से जो बैटरी के वायर हैं उनको डीशोल्ड कर लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो बैटरी के जो वायर हैं वो हमने डीशोल्ड कर लिए हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में जो इस टाइप का जो शॉर्टिंग वाला जो फॉल्ट आता है वो दोस्तों जो लोकल चार्जर होते हैं उनके ख़राब होने के वजह से इस टाइप की जो शॉर्टिंग है इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में आ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम करते क्या हैं कि ये वाली जो आईसी आप देख रहे हैं, इसकी सिस्टम आईसी, ये मिल पाना तो काफ़ी मुश्किल है। तो हम यहाँ पर ये ब्लूटूथ मॉड्यूल पूरा ही चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी जो बैटरी है वो हम चेक करेंगे कि बैटरी तो ख़राब नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो बैटरी में जो पावर है वो यहाँ पर पूरा आ रहा है। और इसका जो स्पीकर है वो भी हम चेक कर लेते हैं, कहीं स्पीकर तो नहीं उड़ गया है, क्योंकि इसकी जो आईसी है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है दोस्तों वो भी एकदम ओके है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एज इट इज़ सेम जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसकी जो कनेक्शंस हैं वो पहले मैं बता देता हूँ किस टाइप से करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये बी प्लस लिखा हुआ है, यानी कि बैटरी का प्लस वाला वायर यहाँ लगेगा, और बी माइनस पर ये लिखा हुआ है तो बैटरी का माइनस वाला वायर यहाँ लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एस पी प्लस और एस पी माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्पीकर के प्लस माइनस वायर लग जाएंगे। तो चलिए पहले इसके जो वायर हैं वो कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो वायरिंग है वो हमने कर दी है, अब चलिए इसका जो पावर है वो ऑन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो ब्लूटूथ है वो अच्छे से वर्क करने लगा है, जबकि ये वाला जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसकी जो सिस्टम आईसी है दोस्तों ये पूरी शॉर्ट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है यहाँ पर। तो अब हमें करना क्या है कि ये वाला ब्लूटूथ इसको चेंज कर देना है यहाँ पर। तो चलिए हम इसको फिटिंग है वैसे ही कर देते हैं। इस टाइप के जो ब्लूटूथ मॉड्यूल हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, बट इनका जो सामान है वो आसानी से नहीं मिलता, जिस कारण हमें इन्हें चेंज ही करना पड़ता है। तो इसको ख़राब वाले को मैं अभी साइड में रख देता हूँ। और एक बार इसकी जो चार्जिंग टेस्ट है वो भी हम कर लेते हैं लगाने से पहले कि चार्जिंग हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं जो चार्जिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है।
तो मैं इसको निकाल देता हूँ। पहले इसकी पूरी फिटिंग कर लेते हैं, इसके बाद इसकी जो टेस्टिंग है वो हम करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिटिंग हो चुकी है, इसका जो पावर है वो ऑन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं पावर ऑन हो चुका है। The Bluetooth device is ready to pair. इसको पहले फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसका नाम आ चुका है ब्लूटूथ का, इसको कनेक्ट कर लेते हैं पहले। The Bluetooth device is connected successfully. तो दोस्तों यदि आपके भी ब्लूटूथ स्पीकर में कभी इस टाइप शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आए तो आप इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को चेंज कर दें, और या फिर ये रिपेयर हो जाए तो इसको रिपेयर करके देख सकते हैं। बस इसमें ये जो मेन आईसी होती हैं इन्हीं पर दोस्तों ये वर्क करता है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से हमने इसको रिपेयर कर लिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।